नमस्कार, मैं संजय कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं बाबा राष्ट्रीय न्यूज समय के साथ। कुमार धुबी एक मिनी भारत है, यानी छोटा भारत। कुमार धुबी में भारत के प्रत्येक प्रांत के लोग यहां रहते हैं, यहां निवास करते हैं, क्योंकि एक कुमार धुबी एक इंडस्ट्रियल इलाका है। कुमार धुबी उद्योग से भरा हुआ है। पावर प्लांट के बारे में कहे तो कुमार धुबी में दो पन बिजली है, एक माइथन डैम, दूसरा पंचित डैम। एक ताप विद्युत है जिसका नाम MPL है। इसी कुमार धुबी में ECL और BCCL की कई कोलवरियां मौजूद है और चल रही है। इतने उद्योग चलने के बावजूद भी कुमार धुबी से पलायन रुकने का नाम नहीं। आइए सुनते हैं कुमार धुबी की कहानी संदीप चटर्जी की जुबानी। नमस्कार, संदीप चटर्जी, समाज में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, पता नहीं कितना कर पाते। सर्वप्रथम जवाब देने से पहले चंद दिनों बाद एक पवित्र माह हम लोगों में प्रारंभ हो रहा है, सावन का माह। अग्रिम बधाई समस्त सनातनियों को, सावन माह सुख शांति समृद्धि महादेव जी का कृपा से हम सब लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। और जो आपका प्रश्न है पलायन, महादेव जी कृपा करें कि हमारा क्षेत्र से शिक्षित नौजवान जो पलायन कर रहे हैं वो पलायन होते। और हम जहाँ पे खड़े हैं, ये क्षेत्र हमको लगता है कि एक छोटा सा भारत है। ये छोटा सा भारत इसलिए है, इस क्षेत्र में बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम, दक्षिण, समस्त क्षेत्र से लोग यहाँ बसते हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग बचपन में जब स्कूल में उस समय इतना समृद्ध स्कूल में पढ़ाने लायक हम लोग रहे भी नहीं, मेरे परिवार में इस तरीके का स्थिति भी नहीं था। तो हम लोग जिस क्षेत्र में पढ़ने के लिए जाते थे, पूरे क्षेत्र अगल बगल से औद्योगिक क्षेत्र KFS, हम लोग बड़ा गर्व से कह सकते हैं कि KFS एक ऐसा कारखाना था जो एशिया का कहा जाता है कि बृहत्तम दूसरा बीपी शेड तैयार करने वाला, KMCL, जो पहले KW था, बाद में नया नामकरण हुआ KMCL भलाई, MB मैकनली भारत, चांच रिलायंस। मतलब कहने का मतलब है कि चारों ओर इतना रोजगार और उस रोजगार को पाने के लिए लोग ललायित रहते थे, दक्षिण से, पश्चिम से, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, हर क्षेत्र से लोग आते थे। कहाँ चलो कुमार धुबी, वहां जाने से रोजगार जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, लेकिन वहां भूखा नहीं रहेंगे। लेकिन समय का तकाजा और घोर राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज हमारा क्षेत्र एक शमशान के रूप में बदल चुका है। अच्छे अच्छे नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान, हाथ में हुनर है, और ये हुनर उनका नहीं है, ये हुनर पीढ़ी दर पीढ़ी का है। उनका दादाजी आए थे यहां पर, किन्हीं का बाबूजी आए थे, किन्हीं का दादाजी का बाबूजी आए थे, ये बीपी सेट में काम करने के लिए, ये मैकनली भारत में काम करने के लिए, ये ढलाई में काम करने के लिए। आप देखिए ना, सबसे मजे की बात है, उस ढलाई कारखाने से आज यहाँ पे सैकड़ों ढलाई का कारखाना बना, उसी का टेक्नोलॉजी लेकर, क्योंकि वही लोग जब उनको बंद कर दिया गया तो वही लोग आकर फिर यहाँ पे छोटे छोटे समूह पे बट के अपने आप को, अपने आप का जो हुनर था उस हुनर को बेचकर, इसीलिए कह रहे हैं बेचकर, ये बहुत खराब शब्द है, इसीलिए कह रहे हैं कि उपाय नहीं है। जहां उनको समृद्धिता था, वहां पे अच्छा वेतन मिलता था, उस वेतन का आधा से आधा से आधा वेतन में
वो लोग काम करने के लिए विवश हो गए अपना परिवार को चलाने के लिए। आज एक विषय है राजेश कुमार दुबी, चिरकुंडा, इस औद्योगिक क्षेत्र चांच, रिलायंस, यहाँ के नौजवान कहाँ जा रहे हैं? गुजरात जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मुंबई जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हैदराबाद जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? कोलकाता जा रहे हैं, क्या करने के लिए? वहां मिट्टी काटने के लिए नहीं जा रहे हैं, बोरा ढोने के लिए नहीं जा रहे हैं। सब नौजवान कुछ ना कुछ जाकर आप देखिए, वो कुछ ना कुछ हाथ का काम कर रहा है वहां पर, इसलिए कर रहा है कि वो काम उनका खून में है, वो जेनेटिक है, उनके दादाजी का हुनर था, उनका बाबूजी का हुनर था, लेकिन उस हुनर का यहां उपयोग नहीं हो पा रहा। और हर बार जब भी चुनाव आता है तब भी कोई ना कोई राजनीतिक दल आता है और इन परिवारों को चला जाता है। क्या हो रहा? केएमसीएल का मुख्य द्वार सफाई हो रहा। क्यों? केएमसीएल अब खुलने वाला है, केपस सफाई चल रहा है, केपस में रंगाई चल रहा है, ईटा सब लगाया, जोड़ा जा रहा है भाई, केपस पुनः चालू होगा। पुनः चालू नहीं होगा, वो चुनाव आ रहा है, किसी राजनीतिक दल विशेष के लोग आए, झंडा लगाएं कि अब ये खुलने वाला है, और इसका नाम सुनकर उनसे जुड़ा हुआ परिवार, क्योंकि सैकड़ों परिवार, हजारों परिवार, आज वो हजार नहीं, आज वो लाखों की संख्या में लोग हैं, उनके मन में एक आशा का किरण जगा कि चलो केपीएस खुलेगा, चलो केएमसी खुलेगा, चलो जांच एम्बुलेंस खुलेगा, हम लोगों का जो पैसा उसमें उस कंपनी में था उस पैसा आएगा, उस पैसा से हम अपना बेटी का शादी देंगे, उस पैसा से बेटा को हम यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजेंगे। इस उद्देश्य से उस राजनीतिक दल लोगों को यहाँ के लोग समर्थन करते रहे, लेकिन अंतर्गत हम लोगों को मिला क्या? हम लोगों को मिला केवल शून्यता, और आज भी शून्यता मिल रहा है। पूरा देश विकास के राह पर खड़ा है, बड़ा बड़ा पुल तैयार हो रहा है, बड़ा बड़ा बांध तैयार हो रहा है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री लग रहा है, उस जगह में फैक्ट्री लग रहा है जहां पर कोई संसाधन नहीं, और हम जहां बैठे हुए हैं वो प्रकृति से परिपूर्णता है। आप सोच कर देखिए कि हमारा ये कोयलांचल का 4 किलोमीटर में मैथन डैम, 4 किलोमीटर में पंचन डैम, हमारे बगल से 1 किलोमीटर के दूरी से पानी बह रहा है, लेकिन हम लोगों को सब्जी भी अन्य जगह की अपेक्षा अधिक मूल्य में खरीदना पड़ता है। क्यों? आप ये सोचे, हम जहां हैं वहां से 100 मीटर की दूरी में कुमारदुबी रेलवे स्टेशन है। इस कुमारदुबी रेलवे स्टेशन में अभी हम आपको उल्लेख कर रहे थे कि ये मिनी भारत है, यहाँ उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग, यहाँ उड़ीसा के लोग, यहाँ बंगाल के लोग, यहाँ बड़ा बड़ा ट्रेन पकड़ने के लिए उनको कुमारदुबी नहीं जाना पड़ता है, उनको बराकर स्टेशन जाना पड़ता है, आसनसोल स्टेशन जाना पड़ता है, धनबाद स्टेशन जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कुमारदुबी के साथ ये सौतेला व्यवहार हमको लगता है आज से नहीं, हम लोग जब से होश संभाले तब से ये चलता आ रहा है, और पता नहीं ये सौतेला व्यवहार कब तक चलेगा, लेकिन अब जागने की बारी है। हम इस कोयलांचल के सभी लोगों को भेदभाव, जाति, भाषा, प्रांत, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर एक ही बात कहना चाहेंगे कि अब जगने की समय है, हम लोग जगें, हम लोग अपना वोट देने से पहले, हम लोग अपना मत देने से पहले, हम लोग अपना विचार रखने से पहले, और हमारे बीच उन लोगों का विचार आने से पहले हम लोगों को विरोध करना पड़ेगा, और हम लोगों को जो विकास के राह पर चलेगा। आज जितने पलायन किए हुए लोग, हमारे नौजवान है, हमारे घर से हमारा भाई, हमारे बड़े भाई, जो लोग हाथ में हुनर होते हुए भी, क्योंकि ये हुनर आज का नहीं, ये पीढ़ी का हुनर है, उस हुनर को जो जाकर वहां दूसरे राज्य के विकास के लिए बेच रहे हैं, हम लोगों को तब संतुष्टि होगी जब ये हुनर हम अपने चिरकुंडा, कुमारदुबी, निरसा के इस औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए लगा पाएंगे। इसीलिए हमारा आवेदन और निवेदन है इस संदेश के माध्यम से, ये सारे राजनीतिक दल से जुड़े हुए कार्यकर्ता, नेता, उस विचारधारा के शुभचिंतक, सभी लोगों को एक बार सोचने की जरूरत है कि हम लोग अपने क्षेत्र को किस तरीके से विकास करें, और ये जो बंद पड़े हुए उद्योग है इनका पुनः निर्माण हो, ये सब प्रारंभ हो, और हर हाथ को काम
और हर खेत को पानी का जो नारा हम लोग हमेशा हर राजनीतिक दल से सुना करते थे, वो जमीन में आए, धरातल में आए और ये पूर्ण हो, यही आशा और विश्वास है। और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाली न्यूज की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले।